doing well and stay safe at your home. So today we will do exercise 6.2. Okay, so first question is, a fraction whose value is less than 1 whole is called a dashed fraction. Okay, a fraction whose value is less than, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू लेस होती है मीन्स कम होती है वन से, सो उसे हम क्या कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. सो राइट हेयर प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, देन नेक्स्ट नंबर टू, फ्रैक्शंस हूज वैल्यू इज ग्रेटर देन वन होल आर कॉल्ड डैश फ्रैक्शन. सो इसी का जस्ट अपोजिट, सो यहाँ प्रॉपर बट यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इम्प्रॉपर. ओके, देन नेक्स्ट नंबर थ्री, इन अ फ्रैक्शन इफ द ए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इट इज एन डैश फ्रैक्शन. यदि न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वह कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देन नेक्स्ट नंबर बी, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज इट एन डैश फ्रैक्शन. सो ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, अ न्यूमरल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल नंबर्स कॉल्ड डैश. वह न्यूमरल कौन सा होगा जिसमें कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर का और फ्रैक्शन नंबर, दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होगा. सो इसे हम कौन सा बोलेंगे, कौन सा नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिक्स्ड न्यूमरल. ओके, सो यहां पर आएगा मिक्स्ड न्यूमरल. ओके, ये होगा मिक्स्ड न्यूमरल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उस पर हमें सर्कल करना है. ओके, ओके, सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से लेस देन होता है. ओके, न्यूमरेटर इसमें छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ओके, सो ऐसे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं ऐसे नंबर. सो हमें इसमें फाइंड आउट करना है, सो ये देखिए 1/9. सो यहाँ देखिए न्यूमरेटर 1 है एंड डिनोमिनेटर 9 है, सो ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इस पे हम सर्कल करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट नंबर बी, 14/3. सो 14 देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर है एंड 3 जो है वह डिनोमिनेटर है. सो न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, देन नेक्स्ट देखिए 8/12. सो 8 न्यूमरेटर है और 12 डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा है डिनोमिनेटर से, सो ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, वैसे ही ये डी नंबर वाला होगा प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ये एफ वाला होगा प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, देन नेक्स्ट नंबर 6, सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे सर्कल करना है, मीन्स जिसमें न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. ओके, सो फाइंड करना है हमें, फर्स्ट देखिए ए नंबर 4/9. सो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर जो है वह छोटा है और सॉरी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वह बड़ा है. ओके, सो ये क्या होगा, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है. देन नेक्स्ट नंबर बी 8/7. सो 8 क्या है, न्यूमरेटर है एंड 7 डिनोमिनेटर है. सो 8 यहाँ पर बड़ा है, न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, सो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो सर्कल करते हैं हम इसमें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वैसे ही देखिए ये सी तो नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि डी में डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, सो इसे हम सर्कल करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम 7 नंबर का, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन. इस पे आपको यूनिट फ्रैक्शन पे सर्कल करना है, मीन्स यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वह 1 होना चाहिए. ओके, जिस भी फ्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर 1 है तो वह क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा. सो फर्स्ट देखिए ये 1/5, तो ये होगा यूनिट फ्रैक्शन. ओके, एंड बी 1/8, तो ये भी है यूनिट फ्रैक्शन. ओके, ये नहीं होगा सी नंबर का, डी नहीं होगा, ये ई है और ये एफ है. ओके, तो ये है यूनिट फ्रैक्शन.
अब नेक्स्ट देखिए नंबर 8, सर्कल द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको देखना है जिसमें एक जो होगा वो होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन होगा जो साथ में ही होंगे। सो 19/18 तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। एंड 1 and 3/5 तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। सो ये 1 क्या है, ये होल पार्ट है, और ये 3/5 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट है। सो ये होगा मिक्स्ड नंबर। सो ये होगा, इसे हम सर्कल करते हैं। ओके, वैसे ये सी भी है, ये जो 3 है ये होल पार्ट है, और ये 1/6 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। सो इस पे भी सर्कल। देन नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 1 जो है वो होल पार्ट है और 7/8 ये फ्रैक्शनल पार्ट है। सो ये 3 जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे, मिक्स्ड नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मीन्स आप कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करके। ओके, डिवाइड करके आप इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट दिया है यहाँ पे देखिए 18/7, इसे हमें मिक्स्ड नंबर में हमें कन्वर्ट करना है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। सो यहाँ पर देखिए, ओके, सो इसे हम डिवाइड करके देखते हैं, चेक करके, ठीक है, कि कैसे आएगा ये मिक्स्ड नंबर पे। सो यहाँ पे आप ये डिवाइड करेंगे। ओके, सो 7 इज हियर एंड 18 इज हियर। सो 7 डिविजर होगा एंड 18 जो होगा डिविडेंट होगा। सो 7 की टेबल आप कितने टाइम पढ़ेंगे, 18 से ज़्यादा ना हो उसमें, डिवाइड जैसे करते हैं ना सेम वैसे ही करना है आपको। सो 7 2 14 और 7 3 21, तो 3 टाइम पे जो ज़्यादा हो जाएगा। सो हम 2 टाइम यहाँ पर रीड करेंगे और यहाँ पर आएगा 14। अब हम लेस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे हम, सो 4 इज नथिंग यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 जो है वह क्या आया, क्वेश्चन आया, और यहाँ पर 4 रिमाइंडर आया। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये 2 जो है ये क्वेश्चन ये बीच सेंटर में यहाँ आएगा, और ये 7 जो डिविजर है ये तो डिनोमिनेटर है ही, ये चेंज नहीं होगा, और 4 को हम यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, सो 7 2 14 and 4 ये हो गया 18। सो 18/7, सो हम इसे कैसे राइट करेंगे, मिक्स्ड नंबर में ही लिखेंगे हम 2 and 4/7। ओके, इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डू इट एज द सेम, ऐसे ही आपको सेम करना है इन सभी को। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम नंबर 10, चेंज द मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए ये मिक्स्ड नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, मीन्स यहाँ पर जैसे अभी हमने किया था वैसे उसका जस्ट अपोजिट है। ओके, 3 and 6/8, सो लेट्स सी। ओके, 3 and 6/8, तो आप इसे कैसे सॉल्व करके आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर ये तो 3 है जो होल पार्ट है, इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से। ओके, ये सो 8 3 24। ओके, ये होल पार्ट का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से करेंगे। सो कितना आया, 8 3 3 8 24। अब इस 24 में हम सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप में हमने किया, अब सेकेंड स्टेप में ये जो न्यूमरेटर है इसको हम ये वाले इससे प्लस करेंगे, जो ये मल्टीप्लाई करने में आया उससे हम ये न्यूमरेटर जो है उसमें हम प्लस करेंगे। सो यहाँ पर आया 6 है यहाँ पर, तो 24 + 6 इक्वल आया 30। ओके, सो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करेंगे 30/8। ये जो डिनोमिनेटर है यह चेंज नहीं होगा। ओके, ये डिनोमिनेटर जो है यह सेम रहता। अब यहाँ पर देखिए 8 3 24 24 + 6 30, 30/8, न्यूमरेटर यहाँ पर 30 एंड डिनोमिनेटर यहाँ पर 8 हुआ। सो ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसे चेंज किया। सो नाउ योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट नंबर B C D E and F, यू कैन डू इट एज द सेम, ऐसे ही आपको सेम इनको चेंज करके आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट, सो आप नाउ योर होमवर्क, ये आप एक्सरसाइज 6.2 आप अच्छे से सॉल्व करके आप अपनी पेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।